सो गाइस यार, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे करके अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर 15 सेकंड से ज़्यादा की किसी भी रील वीडियो को कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो पर मैंने आपको बताया था, वैसे उस वाली वीडियो पर काफ़ी सारे लोगों ने प्यार दिया है। मैंने उस वाली वीडियो पर बताया था कि आप कैसे करके किसी भी इंस्टाग्राम की रील वीडियो को अपने व्हाट्सअप के या फिर अपने इंस्टाग्राम के रील वीडियो पर कैसे पोस्ट कर सकते हो। लेकिन उस वाले ट्रिक के थ्रू जो है हम सिर्फ 15 सेकंड की ही वीडियो जो है, वैसे मोस्टली वीडियोज़ जो 15 सेकंड तक की ही होती है, सिर्फ 15 सेकंड तक की ही रील वीडियो का हम अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर पोस्ट कर पाते थे। लेकिन आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे करके 1 मिनट की रील वीडियोस को या फिर 30 सेकंड की रील वीडियोस को अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर कैसे अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको आज की इस वीडियो पर दिखाने वाला हूँ, तो आपको इस वीडियो को जो है एंड तक वॉच करना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपको दिख रहा होगा मैं अपने फोन की स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका हूँ, और आने के बाद सिंपली से हम यहाँ पर इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करके आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर किसी भी रील वीडियो को जो 15 सेकंड से ज़्यादा की है उसको कैसे आप पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं रील वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। उससे पहले यहाँ से कोशिश भी है कि वीडियो जो है जो 15 सेकंड से ज़्यादा की है उसको फाइंड कर लेना। तो यहाँ से मैं किस वीडियो जो 15 सेकंड से ज़्यादा की है उसको फाइंड कर लेता हूँ। फाइंड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि उस वीडियो को कैसे करके मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अपडेट कर सकता हूँ। तो गाइस, मुझे यहाँ पर एक वीडियो जो है मिल चुकी है जो 15 सेकंड से ज़्यादा की है। मैं आपको इस वाले रील वीडियो को दिखाऊंगा कि आप कैसे करके अपने किसी भी आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना होगा। देन आपको यहाँ पर से कॉपी लिंक पे क्लिक कर देना होगा, और इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ से इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को क्लोज कर देना। क्लोज कर देने के बाद जो है आपको यहाँ पर अभी जो है कोई सी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल नहीं करने। जैसे कि आपको पता होगा कि थर्ड पार्टी ऐप्स जो है हमारा अकाउंट वो सिक्योर नहीं रहता है। तो मैं आपको यहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर से आप जो सा ब्राउजर यूज करते हो आपको उस वाले ब्राउजर को यहाँ से ओपन करना। मैं फिलहाल यहाँ पर क्रोम ब्राउजर यूज करते हो, तो क्रोम ब्राउजर यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है आईग्राम। और सर्च करने के बाद जो है आपको सबसे पहले जो फर्स्ट लिंक दिखाई देगी आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना होगा। और लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पर इंसर्ट इंस्टाग्राम लिंक हेयर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बगल में पेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। आपको सिंपली से पेस्ट पर क्लिक कर देना होगा। और पेस्ट पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ से मैं अलाउ कर देता हूँ इसको, और पेस्ट हमारा जो लिंक था वो पेस्ट हो चुका है। पेस्ट होने के बाद सिंपली से आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सा वेट के लिए आएगा। तो अभी जो है हमारे सामने जो है रील वीडियो आ चुकी है, जो उनसे रील वीडियो का मैंने लिंक कॉपी किया था। आपको देख रहा होगा ये रील थी जो वहाँ पर मैंने जिसका लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पर आ चुकी है। और आने के बाद जो है कितने व्यूज इस पर आ रखे हैं, कितने कॉमेंट आ रखे हैं, यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, और उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा डाउनलोड .mp4। तो सिंपली से हमारे को यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है आपको दिख रहा होगा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी जो है ये वाली रील वीडियो मेरे डिवाइस में मेरी गैलरी में डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ से क्रोम को क्लोज कर देना होगा। देन आपको यहाँ से अपनी गैलरी ओपन करना होगा। गैलरी ओपन करने के बाद जो है जो वीडियो आपने अभी डाउनलोड करी थी वो वाली वीडियो जो है आपके सामने यहाँ पर टॉप पर आ जाएगी। आपको दिख रहा होगा ये वाली वीडियो जो मैंने डाउनलोड करी थी वो वाली वीडियो यहाँ पर आ चुकी है, और साथ में जो है इस वाले वीडियो पर म्यूजिक भी आ रहा है। तो अभी मैं ऐसे बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद सिंपली से यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद दोबारा से आपको इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पर से आपको पता होगा कि आपको कैसे करके उस रील वीडियो को आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर पोस्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो है योर स्टोरी पर टैप करके रखना है। देन आपको यहाँ पर ऐड टू योर स्टोरी पर टैप कर देना है, और यहाँ पर टैप करने के बाद जो है आपको यहाँ से इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। और अलाउ करने के बाद जो है यहाँ पर से जो रील वीडियो मैंने डाउनलोड करी थी वो वाले रील वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। अगर मैं अपने पुराने ट्रिक से इस वाले रील वीडियो को अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अपडेट करता तो वो सिर्फ 15 सेकंड तक की ही होती। तो लेकिन ये जो 17 सेकंड की है, तो ये जो है इस ट्रिक से आप कितने भी सेकंड की जो वीडियो है उसको अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर ईजिली पोस्ट कर पाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा 2 पार्ट में यहाँ पर आ चुकी है। और आने के बाद जो आपको सिंपली से नेक्स्ट पे क्लिक करना, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर शेयर पे क्लिक करना, और शेयर पे क्लिक करने के बाद जो है ये रील वीडियो आपके इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अपडेट हो जाएगी। तो फिलहाल मेरे को अपडेट नहीं करना, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर इतना था। मैंने आपको आज की इस वीडियो पर दिखा दिया कि आप कैसे करके किसी भी रील वीडियो को जो 15 सेकंड से ज़्यादा की है उसको, या फिर जो कम की भी है वो भी आप जो है इस ट्रिक से ईजिली अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अपडेट कर पाएंगे। सो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत हेल्प करेगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।